गाइस वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग और आज हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया एडिटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन के लिए बिल्ड लेके आ गए हैं विद i9 14th जनरेशन एंड 4070 सुपर। सो डू चेक आउट द कंप्लीट वीडियो फॉर द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस। सो गाइस ये जो पीसी है ये है हमारे के कस्टमर जो है राजस्थान में बीकानेर में उनके लिए पीसी जा रहा है। ये उनका मेजर यूज केस है कंटेंट क्रिएशन एंड वीडियो एडिटिंग, ये मेजर उनका यूज केस है। तो अब थोड़ा सा हम बात करेंगे इंटेल i9 14000K के बारे में, हमने जो इसमें यूज किया है। इवन दो यू नो द स्पेसिफिकेशंस, 24 कोर्स है, 32 थ्रेड है इसके अंदर, बहुत हाई गीगाहर्ट्ज़ का इसका स्पीड है एंड ये पावर भी बहुत ज्यादा लेता है। तो जो इसकी TDP है 253 उसी के रिगार्डिंग i9 14000K में इशू आ रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा पावर लेता है। तो इंटेल के बारे में इशू चल रहे कम्युनिटी के अंदर एंड जो इंटेल ने अपना स्टेटमेंट दिया भी है कि इंटेल के जो प्रोसेसर है थोड़ा सा कर रहे हैं, ऐसा कम्युनिटी में बात चल रही है कि इंटेल शायद ये प्रॉब्लम 2025 के जनवरी तक मोस्ट प्रोबेबली ये प्रॉब्लम को ऑलरेडी सॉल्व कर देगा। बट मैं आपको ये भी बता दूं जिनको भी ये हमारे कस्टमर्स को ऑलरेडी इशू आ रहा है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो भी है जिनको इस टाइम इशू आ रहा है, हमने इंटेल से बात करी हुई है इस बारे में एंड दे आर बीइंग वेरी कोऑपरेटिव एंड वो हमको मोस्ट ऑफ द केसेस में इंस्टेंट रिप्लेसमेंट में हम ट्राई कर रहे हैं कि इंस्टेंट रिप्लेसमेंट मिल जाए, ज्यादा लोगों को हैसल ना हो। बट कोई बात नहीं, लेट्स मूव ऑन टू आवर ग्राफिक कार्ड। हमने यहाँ पे गीगाबाइट का 4070 सुपर यूज किया, 12GB का ग्राफिक कार्ड है। इसमें हमने विंडफोर्स OC यूज किया हुआ है विच इज द बेस मॉडल, बट विट डज कम विद 3 फैंस इन द ग्राफिक कार्ड अनलेस अदर ब्रांड्स जो बेस मॉडल में डुअल फैन ही देते हैं, बट गीगाबाइट आपको बेस में भी ट्रिपल फैन देते हैं ताकि आपके थर्मल्स प्रॉपर रहें। वारंटी आपको 3 इयर्स की मिल जाती है गीगाबाइट में एंड परफॉर्मेंस की बात करूं एडिटिंग के अंदर 12GB का कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा है एंड कूडा जो एंड टेंसर कोर जो इसके अंदर है वो भी बहुत सॉलिड है कि आपकी रेंडरिंग एंड आपका आफ्टर इफेक्ट्स में काम इजिली हो जाए। अब बात कर लेते हैं हमारे पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई हमने डीप कूल का PN850M यूज किया है, 80+ गोल्ड है, फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई हमने यहाँ पे यूज करी डीप कूल की। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट ऑल्सो इट इज मॉड्यूलर एंड आई थिंक इट कम्स विद ATX 3.0 एज वेल। मदरबोर्ड के बारे में बात करते हैं, Z790 UDEX Wi-Fi यूज किया है हमने, DDR5 सपोर्ट के साथ है ये, 4 RAM स्लॉट्स आते हैं, 3 NVMe स्लॉट्स आते हैं, बहुत ही सॉलिड मदरबोर्ड है। अगर आपको बेसिकली कंटेंट क्रिएशन में जाना है तो अगर आपको ज्यादा शोशेबाजी नहीं करनी है एंड यू जस्ट नीड प्रैक्टिकलिटी एंड परफॉर्मेंस, गो विद UDEX Wi-Fi, वेरी गुड। एक और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, 2 मॉडल आते हैं गीगाबाइट के अंदर इसी सेम रेंज में विच इज Z790DAX Wi-Fi एंड UDEX Wi-Fi। दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि DAX Wi-Fi थोड़ा सा कॉस्ट एफिशिएंट भी है बिकॉज उसमें एक ARGB का हेडर कम है और इसमें एक ज्यादा आता है। तो डिपेंड्स आप कौन सा कूलर ले रहे हो उसके हिसाब से आप DAX या UDEX ले सकते हो। हमने इसमें कूलर मास्टर का लिक्विड कूलर यूज किया था इसलिए हमें एक एक्स्ट्रा ARGB हेडर चाहिए था, इसलिए हमने UDEX Wi-Fi यूज किया। इस बार हमने बहुत ही बढ़िया सा कूलर यूज किया, कूलर मास्टर एटमॉस 360। यूजली हम कॉर्सेयर में जाते हैं बट मैंने कहा यार इस बार थोड़ा सा डिफरेंट दिखाते हैं, थोड़ा सा अच्छा एक कूलर यूज करेंगे जहां जो आयरन को प्रॉपरली हैंडल कर सके, वेरी वेरी गुड। एंड आप देख सकते हो इसके जो एस्थेटिक्स हैं इसके पंप्स के, टू बी ऑनेस्ट बहुत ही क्रेजी है, बहुत ही प्यारा कूलर दिखने में लगता है। इसके एस्थेटिक्स आप पूरे PC के भी देख सकते हो। अब बात करते हैं हमारे रैम की। रैम हमने TForce Delta 32GB यूज करी, 16:2 DDR5 6000 MHz, डिसेंट इनफ फॉर एडिटिंग एट अ बिगनर टू मीडियम लेवल। यस, आगे जाके 64 की रिक्वायरमेंट आपको हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन योर यूज केस। आफ्टर इफेक्ट्स में जाओगे डेफिनेटली 64GB में आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है, बट गुड थिंग इज इसमें 4 स्लैम स्लॉट मिलते हैं तो आप अपग्रेड इजीली कर सकते हो। स्टोरेज में हमने 1TB का SN770 यूज किया है, Gen 4 NVMe है, स्पीड इसका 6000 MB/s का है एंड बहुत ही अच्छा WD, तो आपको ब्रांड पता ही है वेस्टर्न डिजिटल, वेरी वेरी गुड ब्रांड, वेरी वेरी स्टेबल। अब हम बात करते हैं हमारे एस्थेटिक्स की। एस्थेटिक्स में इस PC में काफ़ी बढ़िया तरीके से हमने बनाया गया है एंड इसोर्स का हमने क्रिस्टल XL इस बार यूज़ किया है बिकॉज उनको थोड़ा सा बढ़िया बड़ा केस चाहिए था, नॉर्मल क्रिस्टल का हाइट थोड़ा सा कम है, इसमें हाइट ज़्यादा है एंड फैंस भी अच्छे डिफरेंट स्पेक, आई थिंक इट्स क्रिस्टल फ्लो करके फैंस है इसके अंदर। तो उसी के साथ उन्होंने कहा हमें को नीचे भी फैंस चाहिए सेम टाइप के, तो हमने क्रिस्टल फ्लो नीचे भी एक एक्स्ट्रा वो लगाए हुए हैं। तो टोटल विद कैबिनेट एंड फैंस टोटल इसका अबाउट 14000 के आसपास आता है विद 7 ARGB फैंस आदि केस हमने बना दिया है और बहुत ही सुपीरियर लुक है इसका। तो आयरन का आपने समझ लिया, आई होप अगर आपको कोई भी डाउट हो हमको कॉन्टैक्ट करो, हम लोग डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। अब इसके है एस्थेटिक्स इसके बहुत ही सॉलिड हैं। इस पूरे PC का टोटल कॉस्ट 1,97,500 है एज ऑफ इनवॉइस डेट, जिसके अंदर फैंस इंक्लूडेड है एक्स्ट्रा एंड पूरा PC इंक्लूडेड है, कीबोर्ड माउस भी इसमें इंक्लूडेड है हमारा और विंडोज भी इसमें हम फ्री देते हैं हर PC के साथ। तो अगर आपको भी एक PC चाहिए डू लेट अस नो, डू कॉन्टैक्ट अस, हमारे स्टोर विजिट कर सकते हो, हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आ सकते हो, हम बढ़िया प्राइस आपको देंगे, बढ़िया सा PC बिल्ड बनाएंगे आपके यूज के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से। अगली बार मिलता हूँ बहुत ही सॉलिड बिल्ड के साथ।